एक तरफ है हमारे पास होंडा यूनिकॉर्न 160 और दूसरी तरफ है हमारे पास होंडा की ही SP 160। होंडा यूनिकॉर्न जो कि इंडियन मार्केट में बहुत पहले से ही है और लोगों की पहली पसंद है ये। लोग इसकी जो फैन बेस है ना वो एकदम अलग है। वहीं पे होंडा SP 160 अभी न्यूली लॉन्च्ड है, कुछ सालों पहले ही इंडियन मार्केट में आई है और इसके प्रचार प्रसार में कंपनी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है। लेकिन अगर आप जाते हैं और दोनों ही बाइक आपको दिखती हैं तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि दोनों में से लेंगे। और चलिए आज ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं और एक कंपेरिजन आपको करके दिखाते हैं। बस आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सबसे पहले कीमत से शुरुआत कर लेते हैं। होंडा यूनिकॉर्न 160 की एक्सोरूम प्राइस है 1,10,800 रुपये, 1,10,800 रुपीज़ इसकी एक्सोरूम प्राइस है। और वहीं पे होंडा SP 160 की बात करें तो इसमें दो वेरिएंट आते हैं, सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क। सिंगल डिस्क की एक्सोरूम प्राइस है 1,18,500 रुपये और डुअल डिस्क की एक्सोरूम प्राइस है 1,22,900 रुपये। तो देखिए प्राइस की अगर बात करूँ तो लगभग 8,000 रुपये महंगी पड़ेगी SP 160। अब 8,000 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा ये आपको अभी पता चल जाएगा। इंजन पे फोकस करते हैं तो देखिए यूनिकॉर्न 160 में आपको इंजन तो एकदम सेम लगा है दोनों ही बाइक्स में, क्योंकि आगे 13.46 PS की पावर और जो है आपको 14.58 यानी कि 14.58 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा जो कि दोनों ही बाइक में कंटिन्यू है, यानी कि इंजन दोनों में एकदम सेम लगे हुए हैं। यहाँ पर किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। अगर हम ब्रेक्स पे आते हैं तो देखिए यूनिकॉर्न में आगे 240 mm का डिस्क और पीछे 130 mm का डिस्क है और सिंगल चैनल ABS मिलता है। वहीं पे SP 160 में आपको 276 mm का डिस्क और पीछे 220 या फिर 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको मिलेगा सिंगल चैनल ABS के साथ। तो ब्रेकिंग किसकी अच्छी है तो नो डाउट कि डिस्क की साइज थोड़ी सी बड़ी मिलती है आपको होंडा SP 160 में, तो ब्रेकिंग कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी SP 160 में। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों में लगभग सेम सस्पेंशन है, आगे टेलीस्कोपिक और पीछे मोनोशॉक हाइड्रोलिक सस्पेंशन। तो सस्पेंशन सेटअप भी सेम है तो किसी एक को विजेता घोषित नहीं कर सकते, ये चीज टाई होती है। अब आते हैं इनके डायमेंशन पे तो देखिए ग्राउंड क्लियरेंस यूनिकॉर्न 160 का 187 mm जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत परफेक्ट है। होंडा SP का 177 mm जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से ये भी बहुत परफेक्ट है। वजन की बात करूं तो 139 किलोग्राम की है यूनिकॉर्न 160 और 141 किलोग्राम की है SP 160, तो वजन में सिर्फ 2 किलो का फर्क है, ये कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो यूनिकॉर्न 160 में आप 13 लीटर पेट्रोल भरवा सकते हैं लेकिन SP 160 में आप 12 लीटर भरवा सकते हैं, यानी कि 1 लीटर आपको कम भरवाना होगा। इनके फीचर अगर कंपेयर करें तो दोनों में ही लॉन्ग एंड कंफर्टेबल सीट मिलती है, अच्छी बात है। दोनों में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन एक फीचर एक्स्ट्रा मिलता है आपको SP 160 में, वो है हैजर्ड स्विच। अगर मैं इनके टायर्स की बात करूँ ना तो यूनिकॉर्न 160 में 80/100 का आगे टायर और 100/90 का पीछे टायर मिलता है, 18 इंच का ट्यूबलेस टायर। वहीं SP 160 में आगे 80/100 सेम टायर है लेकिन पीछे वाला टायर चौड़ा है, 130/70 का है और 17 इंच के दोनों ही ट्यूबलेस टायर हैं। तो टायर कहीं ना कहीं आपको बेहतर देखने को मिलेगा SP 160 में। और दोनों का माइलेज डिट्टो सेम है, लगभग 45 का माइलेज आप इको स्पीड में आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोनों बाइक में इंजन सेम है, इनके लगभग काफ़ी चीज़ें इनकी सेम टू सेम है, लेकिन कुछ चीज़ों फीचर के मामले में कुछ चीज़ों के मामले में होंडा SP 160 आगे निकल जा रही है यूनिकॉर्न 160 से। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में से लेनी कौन सी चाहिए, तो आपको एक चीज स्पष्ट मैं बता दूं कि होंडा यूनिकॉर्न 160 आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से इंडियन मार्केट में है और इसका फैन बेस बिल्कुल अलग है। मतलब लोग इसको बढ़ चढ़ के आज भी पसंद करते हैं। कंपनी फीचर के नाम पे इसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर वगैरह नहीं ऐड करती है लेकिन होंडा SP 160 में आपको कमाल के फीचर मिलेंगे, जैसे कि इसमें फुली डिजिटल मीटर कंसोल भी आपको मिलेगा, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अगर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल रही हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अगर आपको डेली कम्यूट वाली एक बाइक चाहिए जो कि पुराने लुक में ही आए तो फिर आप होंडा यूनिकॉर्न 160 ले लीजिए, बहुत अच्छी बाइक है। लेकिन अगर आपको सेम परफॉर्मेंस के साथ, सेम कंफर्ट जोन के साथ, सेम सीटिंग कंफर्ट, सेम सारी चीज़ों के साथ एक एक्स्ट्रा फीचर वाली बाइक चाहिए तो फिर आप SP 160 के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी चॉइस जो होगी वो होगी होंडा SP 160। अब आप कमेंट में बताइए, वैसे यूनिकॉर्न 160 भी बहुत अच्छी है बट आप कमेंट में बताइए कि आप दोनों में से किसे ज़्यादा पसंद करेंगे। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए कंपैरिजन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।